नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। हम और वीआईपी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी आरजेडी का फरमान मानने से इनकार कर दिया है। बिहार में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आरजेडी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। सहयोगी दलों में इसको लेकर नाराजगी है। हम और वीआईपी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि बिना सहयोगी दलों के राय लिए हुए आरजेडी ने टिकट बांट दिया है। हम और वीआईपी पार्टी पहले ही संकेत दे चुकी है कि वो महागठबंधन में से अलग हो रही है और उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब कांग्रेस ने भी संकेत दे दिया है कि वो बिहार का उपचुनाव अकेले लड़ेगी। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रेमचंद मिश्रा ने बताया है कि आरजेडी ने क्या फैसला लिया है उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में तय होगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के ऐलान से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम और वीआईपी पार्टी की नाराजगी हमें कोई खबर नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है ये कांग्रेस ही तय करेगी। जाहिर है कांग्रेस की ओर से यह संकेत दे दिया गया है कि आरजेडी का फरमान उसे भी मंजूर नहीं है और उपचुनाव में अकेले भी लड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने का संकेत देते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी के बारे में फैसला नहीं ले सकते। उन्होंने पहले एक सीट कांग्रेस के लिए छोड़ा दिया है, लेकिन आज की बैठक में कांग्रेस ये फैसला लेगी कि उसे कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज और दिग्गज कांग्रेस नेता निखिल कुमार ने भी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की वकालत की है। बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रभारी शक्ति सिंह गोयल ने भी आज साफ कर दिया है कि बैठक में पार्टी चुनाव को लेकर फैसला लेगी। अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरने को भी तैयार है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सभी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार में भी उसी तर्ज पर सभी सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तेजस्वी यादव के दबाव में आने वाली नहीं है। जिस तरीके से महागठबंधन को लेकर के बार बार बातें सामने आती थी और मजबूती दिखाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन उपचुनाव आते आते महागठबंधन की सच्चाई सबके सामने आ गई है। वीआईपी हो, पार्टी हो, हम पार्टी हो या फिर अब कांग्रेस हो, उसने भी आरजेडी से बगावत कर लिया है और अब महागठबंधन पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी को लेकर के लगातार जिस तरीके से बार बार इस तरीके से बयान दी जाती है, एक दूसरे पार्टी पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि महागठबंधन जो है पूरी तरीके से बिखर चुका है और इसमें जो है वो दरार आ चुकी है। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।